स्टडी विथ मोदी सर में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर टू हिस्ट्री में सिर्फ आपको ईस्वी याद करना पड़ेगा। ईस्वी ही पूरा भरा हुआ है और नाम कब किसने क्यों किया, बस यही। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में नादिर शाह, जो फारसी है, याद रखिएगा ये फारसी था, उसने 1739 में आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ये अफगानी था जिसने 1756 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। फिर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था? सिराजुद्दौला मेन है, जो आपका प्लासी का युद्ध जो भी पढ़े हैं आप। तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। जहांगीर नगर का नवीन नाम क्या है? जहांगीर नगर, जो अभी आज ढाका के नाम से हम लोग जानते हैं, जो बांग्लादेश का कैपिटल है। वेदारा का युद्ध कब हुआ था? तो वेदारा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डच के बीच में। तो डच लोग हार गए थे, जो डच का सेना हार गई, जिसके कारण डच का भारत पर कंट्रोल खो गया था। टामसरो भारत कब और किसके शासनकाल में आया था, या किसके समय आया था? तो 1615 ईस्वी में, जहांगीर के समय में आता है, लेकिन आता है अकबर के नाम पर, लेकिन अकबर उस समय मर जाता है, उस समय मर गया था, तो जहांगीर से मिलता है। कलकत्ता की स्थापना कब और किसने की? कलकत्ता की स्थापना, VVI क्वेश्चन है, 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की। फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में होती है। फ्रुक्सियर का फरमान कब जारी हुआ था? तो फ्रुक्सियर का फरमान 1717 ईस्वी में जारी होता है। हैदराबाद की स्थापना कब और किसने की? तो हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में आसफ झा VVI है, आसफ झा ने, जिसको हम चिंग कुलिच खान भी बोलते हैं, उसने किया था। अब ग्यारह नंबर क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था कब तक चली? तो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था 1765 ईस्वी से 1772 तक चली। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? बंगाल में भयानक अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। इसे 76 का मनवंतर भी कहते हैं, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था, जो जिसके कारण भारत में शासन व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसका एक साल बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होती है। सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है। बेसिंग की संधि कब हुई थी? बेसिंग की संधि 1802 ईस्वी में होती है। हड़प नीति या अस्तित्व विलोप नीति किसने लागू किया? हड़प नीति मीन्स जिसका अगर कोई राजा का पुत्र नहीं है तो वो उसका राजकुमार नहीं, उसका युवराज नहीं होगा, तो वो जो राज्य है वो अंग्रेजों के पास चला जाएगा, ऑटोमेटिक अंग्रेजों के पास चला जाएगा, जिसके कारण बहुत लड़ाई भी होती है। तो इसने चालू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अवध या अयोध्या कब अंग्रेजी राज्य में मिल गया था? तो 1856 ईस्वी में अवध अंग्रेजी राज्य में मिल जाता है हड़प नीति के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा अवध मिल जाती है। चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अधीनता मूलक सिद्धांत किसने लागू किया? अधीनता मूलक सिद्धांत लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही दिए रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रुक्सियर का फरमान का महत्व क्या था? तो फ्रुक्सियर का फरमान, फ्रुक्सियर एक मुगल बादशाह था। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फ्रुक्सियर ने एक फरमान जारी किया था, जिसके अनुसार, पहला नंबर का है, देखिए, अंग्रेज व्यापारी बिना कर दिए, मैंने टैक्स दिए, व्यापार कर सकती है या करेगी। दूसरा है, कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों की जमींदारी खरीद सकेगा, जो कंपनी है आज कलकत्ता के आसपास 38 गांव का जमींदारी वो खरीद सकता है। कंपनी की चीजों की चोरी होने पर चोर को दंड दिया जाएगा और कंपनी की क्षतिपूर्ति राजा करेगा। मतलब कंपनी की अगर चोरी हुई ना तो चोर को तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कंपनी का नुकसान हुआ उसका भरपाई खुद राजा करेगा या मुगल बादशाह करेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है,
कालकोठरी की घटना का है? कालकोठरी घंटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में एक छोटी कोठरी में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया था। बहुत छोटी कोठरी थी, छोटा सा रूम था, जिसमें 146 अंग्रेज, जिसमें मुश्किल से 40 लोग भी खड़े ना हो सके, उसमें 146 जन को कैद कर दिया था, जिसके कारण उन सब की मृत्यु हो गई थी। वहीं पर उन सबकी मृत्यु हो गई थी। इसे ही कालकोठरी की घटना या अंधकूप हत्या कहते हैं, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्वैत शासन व्यवस्था का है? तो दीवानी मिलने के बाद बंगाल में दो शासक बन गए थे। पहला, जिसके पास राजनीतिक तथा दीवानी का दायित्व था, जो बंगाल का नवाब के हाथों में था। दूसरा, जो आर्थिक व्यवस्था और राजस्वसूली का अधिकार ब्रिटिश शासकों के पास आ गया था। बंगाल के इस शासन व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब है, दीवानी मिलने के बाद, जो फिक्स्चर का जो दीवानी था, उसके मिलने के बाद जो राज्य जो शक्ति है दो भागों में बढ़ गई थी। पहला है राजनीतिक और दीवानी का अधिकार, जो खुद बंगाल का नवाब के पास था। दूसरा है जो राजस्व वसूलना है, जितना भी टैक्स उक्स है सब वसूलने का अधिकार ब्रिटिश शासकों के पास चला गया, जिसके ही बंगाल में इस व्यवस्था जो चला उसे ही बंगाल का द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। चौथा नंबर लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का काम था? तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का काम था, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का मुख्य कार्य भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करना और भारत की संपत्ति का गमन करना। मतलब वही बात है, भारत में अपना साम्राज्य को बढ़ाएगा और यहाँ की धन संपत्ति लूटकर इंग्लैंड ले जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर पूछना है या कुछ नए वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके कॉमेंट करें।